एक्ट एज इफ यू आर रिच. ओके, आप ऐसा बिहेव करोगे आप ऑलरेडी रिच है. मेरा बहुत एक पर्सनल स्टोरी है, मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ. ठीक है, जैसे मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास पुअर झोपड़पिंड में रहता ना, मेरा लैंग्वेज आपको मालूम रहेगा, अभी तक सुधरा नहीं है वो. ठीक है, मैं उस लेवल से हूँ. तो मेरे घर 10x10 का घर था, 100 square feet, शायद किसी का बेडरूम उतना ही होगा. और इसमें हम लोग चार जन, मेरे मम्मी पापा, मेरा दो भाई, एक बहन और मैं, हम लोग चार जन थे. ऐसे घर पे रहते थे हम लोग, राइट. लेकिन उस समय भी मेरा सपना था कि मुझे ये बेडरूम, वो बेडरूम, है ना, और किचन, ऐसा मेरा सपना था. जहाँ पे 10x10 आप समझ सकते हो, थोड़ा सा कैमरा में आएगा मुझे पता नहीं, इतना सा, राइट, उतना घर पे जीते थे हम लोग. लेकिन मेरा सपना था कि मैं उस तरह करूँ. मैं तभी एक्टिंग करता था कि जैसे मैं बेडरूम हॉल किचन में रहता हूँ, एक्टिंग करता था मैं. कैसे, मेरे घर पे आज भी वो टेबल है, मैं उसको यूज़ करता हूँ, जिसमें जो मेरी मम्मी का किचन था. ओके, जहाँ पे मेरी मम्मी हमारे लिए खाना बना, मालूम होगा केरोसिन का उसमें ऐसा, तो जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, बाजू में एक कॉट होगा जिसमें एक ही जन सो सकते थे, वो भी आयन का कॉट होगा, क्या बोलते हैं उसको, लोखंड का होगा. ठीक है, उसमें बेड होगा, मुझे आइडिया नहीं, राइट, वो एक हो गया. तो मैं उसको एक कर्टन डाल देता, बोलता ये बेडरूम है. ओके, बाजू में किचन जो एक टेबल है जिसमें आप लोग लेते हैं ना, उसमें मेरी मम्मी खाना बनाते, उतना ही एक टेबल था, उसमें मैंने पर्दा डाल दिया, बोला ये किचन है. उसको पार्टीशन कर दिया, क्योंकि मेरी मम्मी जो खाना बनाती थी उसका धुआं पूरा कॉट में आता था, क्योंकि कॉट और किचन दोनों एक ही, कॉट खत्म होते किचन चालू हो जाता, राइट, इतना. तो उसमें मैंने एक प्लेवुड रख दिया, बोल दिया कि अभी अभी किचन अलग हो गया, बेडरूम अलग हो गया, ऐसा. और मम्मी उधर ही खड़ा रह के खाना बनाते, उधर भी पर्दा डल जा, किचन में खाना बनाएंगे एकदम लिविंग रूम में, बेडरूम में किसी को दिखने नहीं चाहिए, ऐसा बढ़ा दिया, राइट. आपको मतलब होगा मोरी वगैरह होगा, तो उसके लिए भी पर्दा डल जाती, ये वॉशरूम है ऐसा. ठीक है, ये ऐसा सब मैं सोचता था, राइट. उसके बाद मैं जब बैठे रहता हूँ खाना खाने के टाइम, मेरी मम्मी बोलती है कि यार ये पापड़ लेना भूल गया, वो ले लेना. तो मैं खड़ा रह के ऐसा चलता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, बोलता क्या करता है, मैं बोलता हूँ किचन जा रहा हूँ. किचन का खड़ा रहा तो ऐसा हाथ रखे तो पापड़ आ जाएगा, इतना ही दूर है. लेकिन मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैं किचन जा रहा हूँ, क्योंकि किचन दूर है, ऐसा. उसके बाद कभी बेडरूम जाना है, बेडरूम का आपके सामने बेड है, आप थोड़ा सा 1 feet में आपका बेड है, तो मैं ऐसा उधर खड़ा रह के वॉकिंग करता हूँ, बोलता हूँ मैं बेडरूम जा रहा हूँ, क्योंकि बेडरूम बहुत दूर है. ये मेरा सपना था. एक्टिंग करता था मैं, बड़े रूम में रहता हूँ, एक्टिंग करता था मैं, ऐसे ही 2 bedroom hall kitchen में रहता हूँ, ऐसा मैं एक्टिंग करता था. ओके, ये वो सपना कैसे साकार हुआ, करते 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 एक्टिंग किया. जैसे मैं उस घर पे हूँ, तो मुझे कुछ एक कंपनी मिला, जो कंपनी में 12-15 साल एक्सपीरियंस के बाद, जिसको सुपरवाइजर पोस्ट के बाद उनको क्वार्टर्स मिलता है. तो मैंने बोला कि मुझे क्वार्टर्स चाहिए. बोला क्यों भाई, तेरे को क्यों देगा. बोला ठीक है, वो बॉस के साथ थोड़ा सा ये हुआ, वो सब मैटर में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे 40 का टारगेट देते हैं, तो मैं 400 करता हूँ. ठीक है, तो इस तरह का टारगेट होने से मैं जो बोलता हूँ तेरा, मेरा थोड़ा आवाज़ चलता है कंपनी में. तो बोला मुझे क्वार्टर चाहिए, नहीं तो काम छोड़ के जाता हूँ. बोलेंगे ठीक है कैसे भी. तो वो सब मैं बताने नहीं चाहता हूँ. मुझे क्वार्टर्स मिला, जो मैं सपना देख रहा था, मुझे 2 bedroom hall kitchen चाहिए. तो मुझे कंपनी का क्वार्टर्स मिला चेंबूर में, कलेक्टर्स कॉलोनी में, जहाँ पे मेरे घर के ऊपर कोका कपूर रहते थे, है ना, वो एक्टर रन पिक्चर में आता है, उनके विलन के साथ रहता ना, उनका उनका घर ऊपर था, मेरा घर ग्राउंड फ्लोर में था. तो जो मैंने सपना देखा वो घर मुझे मिला. ठीक है, लेकिन मेरा खुद का नहीं है, कंपनी का क्वार्टर्स है. ठीक है, उसके बाद ये जो सपना है, एक्टिंग करता था मैं कि बड़े घर पर रहता हूँ, मेरा बड़ा घर मिल गया. लेकिन रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से बाहर आना,
पर्टिकुलरली जो ये कंजेस्टेड प्लेस में रहता ना, बोलता है कि यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, मैं दुकान जाऊँ तो कुछ ही मिलेगा, 2 बजे कुछ ही मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग हैं, फ्लैट में कोई सपोर्ट करता नहीं है, यही चक्कर में उधर ही झोपड़पट में रहते हैं कुछ लोग। उनको वो ठीक है, उनके लिए वो ठीक है, जिसको जो चाहिए, हमें कंफर्टेबल चाहिए तो कंफर्ट चाहिए तो लोग बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ये अलग बात है, उसमें नहीं आ रहा हूँ। तो मैंने उसके बाद मेरा सिस्टर के घर पे, मेरा सिस्टर को बोला कि यार लोन आया, लोन मुझे प्री अप्रूवल लोन हुआ, मैं वर्ल्ड टॉफे कंपनी में मेरा काम था, मेरा जैसे पेरोल में मेरा सैलरी आया पहला मंथ में, तो बोले कि मुझे लोन मिल गया। तो मैं रिस्क लेने के लिए डरता था, बड़े अभी हीरो की बात करता हूँ, लेकिन रिस्क लेने के लिए डरता, बोलता यार 20 साल तक कौन पैसा भरेगा घर का EMI, नहीं 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 मुझे रिस्क नहीं लेना, पता नहीं जिंदगी कब क्या होगा, ऐसा। बहन बोली मैं ले लेता हूँ, तो मैंने लोन लेके मेरे बहन को दिया, वो घर था। उसके बाद वो बोली कि मुझे इतना दूर जा नहीं सकता हूँ, स्कूल इधर है, तू जा। तो मुझे वापस एक फ्लैट मिला, मैं चाहता हूँ मैं फ्लैट में रहूँ, मैं इस तरह का झुबड़पट्टी में वन रूम में रह नहीं सकता हूँ, मैंने फ्लैट चाहिए, वो भी मुझे मिला, वो भी मेरा नहीं था, बहन का था। हाँ लोन मेरा था, पैसा उसका था, राइट, समवेयर वो भी। तो वो चलते 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 उसके बाद मैं फाइनली बोला यार अभी मेरा खुद का लेना चाहिए, जो मैं अमाउंट से रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था, मतलब 20 साल तक इतना रुपया कौन भरेगा, उससे 3 गुना 4 गुना EMI पे मैंने दूसरा घर लिया जो मेरा खुद का मैं अभी हूँ। आज मेरी वाइफ या कभी बाहर आते हैं, अरे चाय चाहिए तो चाय लेके आया या पानी लेके आया, बाहर आके बोलते हैं कि तुम किधर हो, ऐसा घर पे आवाज आता है। बोला क्यों, क्योंकि मैं कभी मेरे बेडरूम में रहता हूँ, कभी मास्टर बेडरूम में रहता हूँ, कभी हॉल में रहता हूँ, राइट। जब वो ढूंढती है मुझे हर समय एक ही चीज़ याद आता है कि मैंने एक्टिंग किया था कि मैं बेडरूम में जा रहा हूँ टाइम लग रहा है, किचन में जा रहा हूँ टाइम लग रहा है, लेकिन मिला, मैं जो चाहिए वो मुझे मिला, राइट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आज भी वहीं पे हैं, उनको वो ठीक है, उन्होंने वो उस तरह का देखा नहीं है, उनके लिए वो चाहिए नहीं है, उस तरह का रिस्क लेना नहीं है, या फिर वो कंफर्टेबल है, ठीक है। मैं उससे कंफर्टेबल नहीं था, मैं आ गया, मुझे जो चाहिए मिल गया। आज जब भी मेरी वाइफ मुझे ढूंढती है किधर हो, कौन से रूम में है, वो मुझे ढूंढ के आती है, मुझे वो दिन याद आता है जिधर खड़े खड़े 100 square feet एक कॉट से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, डबल कॉट से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इतना घर पे मैंने जिंदगी, मेरे 15 साल 17 साल मम्मी पापा के साथ मैंने वहाँ पे रहा था। ये ऐसे होता है जब आप एक्टिंग करते हो कि आपके पास बड़े बड़े घर पे है, जब आप चाहते हो कि मुझे ये चाहिए चाहिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, एडजस्टमेंट के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, यू नो, आपको जो चाहिए आप पहले प्लान कर लो, आपको मिल जाता है। उसके लिए एक्टिंग करना चालू करो, एक्टिंग आपके लिए, दुनिया के लिए नहीं, माइंड माई वर्ड्स, दुनिया को बताने के लिए नहीं, आपको अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को बताने के लिए मैं इस तरह का घर पे रहता हूँ, मैं इस तरह का हूँ, मेरा इस तरह का पगार है, मेरा बैंक अकाउंट में लाख लाख रुपये पड़ा रहता है, ऐसे ही ऐसा आप अज्यूम करो, एक्टिंग करो। एक्टिंग तो आएगा नहीं आया तो लोन से पैसा लेके डालो बैंक अकाउंट में, देखो पैसा है, राइट। ये सब जो एक्टिंग करते हैं ना, तो सच में आप वो बन जाते हैं, होगा, राइट। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, मेरा बहुत टॉप सीक्रेट बताया, थैंक यू।